भारत को लेकर तमाम पश्चिमी देशों की नाराजगी भी बीते दिनों इसलिए देखने को मिली थी कि भारत ने कहीं भी रूस का विरोध नहीं किया था, लेकिन अब भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर नई केमिस्ट्री सामने आई है। हालांकि दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी नहीं। ये तब दिखाई दिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और रूस को लेकर अपनी बात भी साफ की है, साफ साफ शब्दों में भी सब कुछ कह दिया है। क्या कहा गया, ये नई केमिस्ट्री क्या, क्यों भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, इससे आने वाले वक्त में क्या फर्क पड़ेगा, महायुद्ध के आगे क्या होगा, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट। ये रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग की तस्वीर है। जंग में अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ है। दुनिया जानती है कि रूस और भारत की दोस्ती रही है। जंग के माहौल में अमेरिका ने भारत पर यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग करने का दबाव बनाया। भारत ने ना तो यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग की, भारत ने रूस पर कोई बैन नहीं लगाया। यही नहीं, भारत ने रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत रखे हैं। लेकिन भारत के रिश्ते अमेरिका से लेकर रूस और यूक्रेन के साथ अच्छे रहे हैं, इसलिए भारत ने इस पूरे मामले में सिर्फ शांति और वार्ता पर जोर दिया है, खुलकर किसी के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। ये तस्वीर है भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर नई केमिस्ट्री की। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई है। यही नहीं, रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका से मतभेद की खबरें चाहे जो मर्जी हो, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई कमी नहीं है, जिसका सबूत दे रही हैं ये तस्वीरें। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गर्मजोशी से हुई ये मुलाकात। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत से पहले बाइडेन और पीएम मोदी के बीच बातचीत बड़ा संदेश दे रही है। बाइडेन ने रूस को लेकर भारत पर दबाव बनाने की उम्मीद में पीएम मोदी से बात की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारत के रुख ने अमेरिका को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि रूस से तेल खरीदकर भारत कुछ गलत नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, अमेरिका को भारत के अनुकूल बातचीत का ट्रैक बदलना पड़ा। उसने भारत का मूड भांप कर रूस यूक्रेन जंग को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। नतीजतन भारत अमेरिका के बीच साझा सामरिक हितों के तहत अंतरिक्ष और साइबर स्पेस जैसे नए रक्षा क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर खूब चर्चा हुई। हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। एक्सलेंसी, आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। जो बाइडेन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि जंग के इर्द गिर्द में राजनीति में वो पढ़ना नहीं चाहता। भारत का एजेंडा और रणनीति साफ है, वो शांति का समर्थन हमेशा करता है, जंग का साथ कभी नहीं देता। पीएम मोदी बोलते रहे, बाइडेन सुनते रहे। पीएम मोदी यूक्रेन के शहर बूचा में हुए नरसंहार की भर्त्सना करने में नहीं हिचके। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विचार विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर
बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। जिस रूस की वजह से भारत अमेरिका के सामने हमेशा तनकर खड़ा है, वही रूस अमेरिका को यूक्रेन के जंग में बार बार चुनौती देता रहा है। रूस के सामने अमेरिका कड़वा घूंट पीने को मजबूर है। भारत की दोस्ती पुतिन से रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भारत की अमेरिका से दूरी है। भारत की कूटनीति साफ है कि वो जंग के खिलाफ हमेशा रहा है, लेकिन शांति का साथ हमेशा दिया है। अमेरिका भारत की नीति से वाकिफ भी है। यही वजह है कि पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई थी, तब भी ये तस्वीरें भारत और अमेरिका की गर्मजोशी के रिश्तों पर खूब चर्चा में रही। पीएम मोदी बाइडेन से पहले इसी तरह की गर्मजोशी से ट्रंप से भी मिले। पीएम मोदी की ऐसी ही तस्वीर ओबामा के साथ भी आती रही। कुल मिलाकर भारत की दोस्ती का संदेश बड़ा है, जिसे अमेरिका समझ भी रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों के इस अध्याय के मायने इस बात से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक बार भी शुभकामनाएं नहीं दी। अमेरिका की पाकिस्तान से दूरियां इमरान खान के राज में शुरू हुई, जो अब भी जारी है, और रिश्तों की नई केमिस्ट्री भारत के साथ खूब बन रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।